पेड़ के आसपास कुछ पूजा कर रहे थे। जो रानी थी उसके माथे के ऊपर खून लगा हुआ था, चेहरे के ऊपर भी खून लगा हुआ था। उस मुर्गे से टुकड़ा ऐसे तोड़ा, उसकी जो दीदी थी उमर उसको बोले कि ले ये खा ले। और रात को 2 बजे के आसपास उसका गेट नॉक होता है। उसने गेट खोला तो देखा गेट के आसपास कोई नहीं था, उसके जस्ट पास में एक औरत लेटी हुई जिसका चेहरा इतना डरावना था कि एक बार तो उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। हेलो एवरीवन, कम अगेन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से हम आप लोगों के सामने करने हैं रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से एक इंसान को हर जगह पर बार बार जिल्लत महसूस करनी पड़ती है। और उनमें से एक जो टॉपिक या पॉइंट है वो है एक औरत का मां ना बन पाना। जब एक औरत लंबे टाइम तक मां नहीं बन पाती है तो सोसाइटी उसको बहुत ही अलग नजरों से देखना शुरू कर देती है और उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। उस टैग की वजह से उसे हर जगह से बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, जिल्लत महसूस करनी पड़ती है। और कई बार इस जिल्लत से बचने के लिए लोग ले लेते हैं एक गलत रास्ते का सहारा। कुछ ऐसे वो हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर जो कि हुआ है कुलदीप के साथ, जो बिलोंग करते हैं जैसलमेर में, और ये उनके साथ हुआ हुआ एक रियल इंसिडेंट है। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपके पास जैसे कोई स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन दी गई आईडीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ हम लोग वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी अर्न विद मी सीरीज को। कहने का मतलब ये है कि आज से आपकी जो भी स्टोरीज यहां पर सेलेक्ट होंगी उन स्टोरीज को हम लोग देने वाले हैं एक कैशबैक, एक रिवॉर्ड जो कि है 500 रुपीज का। तो आज के बाद अगर आप हमसे शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरीज तो अपने साथ साथ अपना नंबर जरूर शेयर करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको आपका रिवॉर्ड वापस दे सके। बीच में हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी और हमने कुछ लोगों को रिवॉर्ड दिए भी थे लेकिन फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब से ऑनवर्ड्स हर स्टोरी जो यहाँ पर फीचर होगी और किसी यूजर ने शेयर की है तो हम लोग उनके साथ शेयर करने वाले हैं उनकी मेहनत का एक छोटा सा रिवॉर्ड। और इसी के साथ साथ ये हमारी इस न्यू ईयर की पहली स्टोरी है तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए और आपके सारे गोल्स आप अटेन कर पाए, आपके एफर्ट्स आपकी सक्सेस के अंदर बदले, यही मेरी आप सबको एक विश है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो इंसिडेंट है 2021 का। कुलदीप अपनी सिस्टर के यहां जो कि भोपाल में रहती थी वहां पर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि इनको एसएससी की तैयारी करनी थी तो जैसलमेर के अंदर इनके इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और भोपाल ये शिफ्ट हुए, वहां पर एक कोचिंग थी, इनको कोचिंग भी ज्वाइन करनी थी और इसी के साथ साथ थोड़ा पैसे वगैरह का भी इनके साथ इशू था। तो वहां पर अपनी सिस्टर के घर पर रहने का मतलब ये फाइनल हुआ। इनकी सिस्टर जब बात की तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे जिया जी थे, उन्होंने कहा कि तू यहीं पर आ जा, यहीं से तैयारी कर ले और हम लोग को भी सहारा रहेगा कि हम दोनों लोग ही घर के अंदर अकेले रहते हैं। तो कुलदीप वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ पर उसने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी एसएससी की तैयारी के लिए और उसके अलावा वो अपना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता रहता था। तो इसकी जो दीदी थी उनका नाम था उमा और उन दिनों इनकी दीदी के पास में उनकी एक फ्रेंड रोजाना उनसे मिलने आया करती, इसका नाम रानी था। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, दिन में करीबन 3-4 बार मिला करते, सुबह सुबह ये लोग मॉर्निंग वॉक के ऊपर साथ में जाया करते थे। तो अपनी तैयारी करते करते कुलदीप को लगा कि यार मैं रिटर्न तो निकाल लूंगा लेकिन रिटर्न निकालने में अगर मैं फिजिकल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो उसने सोचा कि सुबह के टाइम पर दीदी और तो घूमने जाते हैं तो मैं इनसे बोल दूंगा मुझे भी उठा लेंगे और फिर मैं भी इनके साथ साथ ही रनिंग वगैरह पे निकल जाया करूंगा। तो ऐसा ही हुआ, उसने अपनी दीदी को बोला कि दीदी जब आप सुबह उठती हो तो मुझे भी उठा दिया करो और मैं भी अपना रनिंग वगैरह करने स्टेडियम चला जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है मैं उठा दूंगी। तो इस तरह से हर दिन का अब शेड्यूल शुरू हो गया था। इनकी जो दीदी थी वो इनको उठाई दीदी सुबह उठ जाता था तो जैसे घर से निकलते थे इनकी दीदी एक अलग रास्ते पे जाती थी, दीदी और रानी, और ये अपना अलग रास्ते पे स्टेडियम की तरफ चला जाता था। इस तरह से करीबन 15-20 दिन तक इसने लगातार अपनी ट्रेनिंग शुरू रखी, बाकी टाइम पर अपनी क्लासेस करके अपनी स्टडी करता रहता था। तो एक दिन कुलदीप उठा और उसने सोचा कि यार मैं रोजाना स्टेडियम पे ना ट्रेनिंग करके बोर हो गया हूं, आज मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा तो जो बेसिकली नॉर्मल ट्रेल होता है कहीं ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ इस तरह के रास्ते से, थोड़ा मजा भी आएगा। तो वो उठा, फ्रेश फ्रेश हुआ, आज वो थोड़ा आधा घंटा लेट हो चुका था रानी दी से। तो उसकी दीदी थी उमा दीदी और रानी दीदी सही टाइम पे आया करती थी, उसकी दीदी ने उसको उठा दिया था लेकिन रात को लेट सोया था इसलिए थोड़ा लेट उठा और आधे घंटे के बाद वहां से निकला। तो करीबन आप मान लेते हैं 5:30 के आसपास निकला था, अभी भी बहुत कोई उजाला नहीं हुआ था, हल्का हल्का अंधेरा ही था। तो वो दौड़ रहा था, दौड़ते 10-15 मिनट दौड़ने के बाद रास्ते में पहुंचा, उसकी नजर पड़ी एक पीपल के पेड़, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे दो औरतें बैठी हुई थी क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं रहा था लेकिन लग रहा था कि दोनों औरतें बैठकर कुछ पूजा वगैरह कर रही है। वो थोड़ा पास गया, चुपचाप दबे पैर एक पेड़ के बीच छुपकर देखने लगा तो जैसे उसने चेहरों को पहचाना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर उसकी उमा दीदी और रानी दीदी बैठी हुई थी,
वो पेड़ के आसपास कुछ पूजा कर रहे थे। जो रानी थी उसके माथे के ऊपर खून लगा हुआ था, चेहरे के ऊपर भी खून लगा हुआ था। आसपास उन्होंने देखा सामान्य बहुत से बड़े लाल सिंदूर पड़ा हुआ है, एक कपड़ा पड़ा हुआ है। जो रानी है उसने बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए हैं, गले में उसके एक अजीब सी माला है और उसी के साथ साथ बीच के अंदर एक मुर्गा मरा हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी पूजा की है और वो पूजा जस्ट अभी बस खत्म ही होने वाली है। इतना देखकर वो ये तो समझ गया कि यहाँ पर जो पूजा चल रही है कोई नॉर्मल पूजा नहीं है। अब वो जो रानी दी थी उसने उस मुर्गे से टुकड़ा ऐसे तोड़ा और अब उसकी जो दीदी थी उमर उसको बोल के ले ये खा ले। इतना देखते उसको समझ में आया कि क्या चल रहा है, भागता वहां पे गया और वहां बोल रही ले खा ले खा ले खा ले तो तेरा बच्चा हो जाएगा। ये सब कुछ कुलदीप की आंखों के सामने चला। जैसे वहां पर पहुंचा उसने फटाफट उसके हाथ में से वो टुकड़ा उठा के फेंका और चल के बोलता ये सब क्या चल रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। इतना सुनते हो दोनों की हालत खराब हो गई, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुलदीप के सामने जाएगा और कुलदीप को देखते दोनों बिल्कुल पसीना पसीना हो गए और घबरा के बोल लगे नहीं नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे। बोलते कुछ तो कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या मचा रखा है, क्या ये मुर्गा किसने लाया किसने। इसकी जो दीदी मदरी बोलती है कि तू शांत हो जा, ये रानी दी है, ये मेरे भले के लिए सब कुछ कर रही है। तो जानता है 8 साल से मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है और लोग मुझे ताने मार मार कर मुझे परेशान कर रखा है और इस चीज का यही एक सलूशन जो रानी ने बताया। तो सुना दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है, उसने फटाफट सामान सबको सामान को लात मारी, उस मुर्गे को उठा के फेंक दिया और अपनी दीदी को लेकर घर से जाने लगा और घूमकर बोलता है रानी से दोबारा हमारे घर की तरफ मत आना वरना ऐसा हाल करूंगा तो सोच भी नहीं पाई। इतने में दरअसल रानी गुस्से में बोलती है तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने क्या किया है, तूने मेरी चलती पूजा को बीच में खराब किया है, तूने सामान का अपमान किया है, तूने मेरी साधना का अपमान किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अच्छे से देख लूंगी। तो गुस्से में हाँ जा देख लेना, लेकिन दोबारा कभी तू और दीदी के आसपास भटकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर इसकी जो उमा दी थी वो परेशान हो गई थी, उनकी जो उम्मीद थी वो टूट गई थी। फिर ये लोग घर पे आ गए, घर पे आके 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो कुलदीप था ये रात के टाइम पर पढ़ाई किया करता था, तो कभी उनका भी 12 बजे कभी 1 बजे कभी 2 बजे तक। 3-4 दिन के बाद अचानक वो सोया हुआ था रात को पढ़ के अपना, और रात को 2 बजे के आसपास उसका गेट नॉक होता है। उठा उसने गेट खोला तो देखा गेट के आसपास कोई नहीं था, उसे लगा शायद हवा से नॉक हो गया होगा। उसने वापस से बंद किया, जाकर वापस से अपने बेड पर लेट गया और 15 मिनट बाद वापस से उसके गेट पर नॉक होती है। वो फिर से उठता है, इस बार वापस से गेट खुलता है तो गेट पर कोई नहीं था। उसे लगा कहीं दीदी तो कुछ बोलने नहीं आई थी, तो वो वहां से निकलकर अपने रूम से निकलकर दीदी के रूम तक जाता है और वहां पर जाकर खड़ा होकर बोलता है कि दीदी। तो उधर से आवाज आती है हाँ बोल क्या हुआ। तो बोलते कि तुम मेरे दरवाजे पर नॉक करने आई थी। बोलती नहीं मैं तो सो रही हूँ, मैं क्यों नॉक करने आऊंगी, तो जा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैंने कोई नॉक वॉक नहीं किया। ये सुनकर वो चुपचाप आ गया और आकर उसने अपना रूम का गेट बंद कर, जैसे गेट के अंदर घुसा गेट बंद करके घुमा तो उसे अपने रूम के अंदर एक अलग ही ठंडक का एहसास हुआ। बिल्कुल रूम उसका चिल्ड हो चुका था, उसे लगा कि उसने गेट खुला छोड़ दिया रात के टाइम पर, हल्की हल्की ठंड तो थी इसलिए उसका रूम ठंडा हो गया है। वो फिर जाकर अपने बेड पर लेटा और जैसे वो बेड पर लेटा उसे एहसास हुआ कि उसके बेड पर उसके साथ कोई और भी हो। जैसे पीछे घूमा वहां पर कोई भी नहीं था, उसे लगा अजीब सा लगा उसे। और उसके बाद में दिमाग में ना वो सेम आज से 3-4 पहले जो इंसिडेंट होता वो दिन उसके दिमाग में घूमने लगे अपने आप। उससे पहले उसे कुछ नहीं था, उससे वो हो गया था इंसिडेंट उस दिन के बाद को भूल गया था उसे, लेकिन इंस्टेंटली वो इंसिडेंट वापस उसके दिमाग में घूमने लगा, दिमाग बार बार वहीं जाने लगा। वो थोड़ा बेचैन सा हो गया, उसने देखा तो 3 बज रहे थे रात को, लगा अब 3 तो बज ही रहे हैं, 1-2 घंटे बाद तो उठना ही है। तो वापस से उठ के अपने टेबल पर पढ़ने बैठ गया, लेकिन उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगा था, बड़ा बेचैन सा वो हो रहा था। और वो पढ़ने बैठता तो बार बार वो सेम इंसिडेंट, दोनों पीपल के पेड़ के पास बैठी हुई है ये सब चल रहा है, वो उसके सामने एक मूवी की तरह घूम रहा था। फिर जैसे तैसे करके उसने वो 1-2 घंटे निकाले, सुबह 5 बजे वापस से वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए निकल गया, दौड़ भाग कर वापस आया, थोड़ा रेस्ट किया और अपना वही काम वाम करने लगा। शाम को फिर वो थोड़ा घूम फिर के इधर उधर वापस से अपने कमरे में आया तो सुबह उसके कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शाम को जैसे वो कमरे में वापस से घुसा फिर से वो बिल्कुल चिल बिल्कुल ठंडा कमरा। उसने फिर से इस चीज़ को इग्नोर किया बट उसे क्लिक कर रही थी जिसकी कल से मेरा रूम एकदम से ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ठीक हो रहा होगा कुछ। वो अपना बैठा खाना वाना खा पी के वो अपना पढ़ने बैठ गया था, तकरीबन वही रात को 12-1 बजे तक वो अपनी पढ़ाई किया करता था। और आज भी रात को 12-1:15 बजे के आसपास पढ़कर सोया और जैसे उसकी आंख लगी थी अचानक से उसके कान में एकदम से ऐसी आवाज आई उसके कान में फूंक मर गया। उसको देखते हुए फटाफट से उठा चारों तरफ देखा तो उसको अपने कमरे में एक शेडो मूव करते देखा, एकदम से वो गायब हो गया। आंखें मसल के देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था, वो डर गया था कि क्या था एकदम से। उसने अपनी फोन उठाया और दीदी को फोन किया, बोला दीदी मेरे साथ ना अभी भी ऐसा हुआ। तो उसकी दीदी बोलती क्या हो गया है, ऐसा तुझे क्या लग रहा है। बोले दीदी पता नहीं क्या मजाक चल रहा है, ऐसा लगा कान के अंदर कोई फूंक सी मार गई और फिर एक परछाई मुझे दिखी वो गायब हो गई। उसकी दीदी बोलती कह रहे नहीं यार तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पागल हो गया। और उसके उसने फोन काट दिया। जैसे इसको भी लगा कि हाँ यार वो कल भी इंसिडेंट घूम रहा था दिमाग में,
हो सकता है मेरे मन में भय भी हो। वो फिर से लेट गया और अपना वही कंबल उड़ के सो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी फील कर रहा था। और जैसे ही वो कंबल उड़ के आंख बंद करता तो लगता कि कोई उसके आसपास खड़ा है और उसे घूर रहा है। जैसे वो कंबल हटा के आगे देखता तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो फील कर सकता था कि उसके रूम में एक प्रेजेंस थी। ऑल्दो उसे डर नहीं लगा था, वो डरता नहीं था क्योंकि इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन स्टिल उसको सेंस हो रहा था कि यहां कोई और है। अब ये उसके लिए एक नॉर्मल सी बात है, हर दिन यही होता। वो सोता सोते अचानक उसके कान में कोई फुसफुसाए कुछ बोल जाता, उसके आसपास उसको प्रेजेंस फील होती, रूम के अंदर उसको ऐसे ही कोई ना कोई परछाई घूमते हुए दिखती। दो तीन दिन के बाद की बात है, वो ऐसे ही सुबह उठ के कहीं जा रहा था वॉक करने, वही अपना, तो उसे वापस से रानी दिखाई दी। जब उसने रानी को क्रॉस किया तो रानी उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब सी क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। कुलदीप ने उसे इग्नोर किया, वो अपना रनिंग वनिंग करके आया, वापस अपना दिन गुजरा। रात को अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके वापस जैसे सोने गया और उसने अपना कंबल उड़ के वैसे वो सोया था, किसी ने उसका कंबल एकदम से खींच दिया। जैसे उसके किसी ने उसका कंबल खींचा, उसने उठ के देखा तो वो लाइट ही जला के सोता था, पूरा कमरा मतलब डार्क नहीं रखता था, तो कोई भी नहीं था वहां पर। उसे लगा यार ये तो चीज और बढ़ गई है, उसने वापस अपना कंबल लिया सोया। 10-15 मिनट के बाद ही अचानक से वापस उसे कान में ऐसी आवाज आती है, उठता है और उसकी आंखों के सामने अचानक से उसकी टेबल जो कि करीबन से 2-3 फीट दूर थी उस पर रखा हुआ पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और पूरे कमरे में पानी फैल जाता है। और वो पूरी तरह घबरा गया था क्योंकि उसने पानी का गिलास अपनी आंखों के सामने नीचे गिरता हुआ देखा था। और तो रूम में से कुछ दिखा नहीं, लेकिन उस रूम में वही उसको वो प्रेजेंस फील होती कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और वो बुरी तरह घबरा चुका था, उसने अपना फोन उठाया, फोन के अंदर यूट्यूब के ऊपर हनुमान चालीसा लगाई और वो चलाकर वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर जब हनुमान चालीसा चली तो चीजें शांत हुई, वो वापस से अपना फोन उसने बंद किया और लेट गया। उसको नींद आ गई थी, लेकिन फिर से हुई थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत हुआ, करीबन आधा एक घंटा उसको नींद आई होगी और फिर से उसका कंबल किसी ने खींचा। जैसे उसका कंबल किसी ने खींचा, वो था तो अपने एक्टिव मोड में, फटाफट से उठा, उसने देखा कि एक परछाई उसके पैरों के पास खड़ी है और उसके उठते ही वो वहां से गायब हो गई। और बुरी तरह से घबरा गया था, उसको समझ नहीं आता। उसने सोचा अब रात के टाइम पर दीदी को भी क्या फोन करूं। उसने वापस अपने फोन के अंदर चलाकर वो तो बैठ गया। उस तक पूरी रात वो नहीं सोया। सुबह जब वो उठा तो अपनी दीदी के पास गया, उनको सारी बात बताई तो उसने बोला कि यार तूने या तो कोई मूवी, उसने उसको कोई एंगल नहीं समझ में आता। उसने बोला ठीक है, कोई मूवी वगैरह देख ली होगी इसने और उसकी वजह से ये जो है ये सब सोच रहा है, तेरा वहम है, ऐसा कुछ अपने घर में से कोई दिक्कत नहीं है तो टेंशन मत ले। अब वो बोले तो बोले कैसे, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों के अंदर पहली बार विश्वास करता ही नहीं है। आज की रात वो फिर से वापस सोया और उसके बाद वैसे इंसिडेंट्स होने लगे। वो सोता, उसका कंबल खींचता, वो सो ही नहीं पा रहा था। फिर आज इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी और आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो लेटा हुआ था तभी उसे लगा किसी ने उसके पैर के ऊपर पैर रख दिया, बहुत भारी सा पैर था। मतलब आप सो रहे हो, आपके ऊपर तो आप ऐसे करवट लेके सो रहे हो, आपके ऊपर किसी ने अपना पैर रख दिया। तो जैसे उस पैर का उसे प्रेशर फील हुआ, उसने पीछे घूम के देखा तो घूम तो उसके मुंह से बहुत तेज थी, क्योंकि उसके जस्ट पास में एक औरत लेटी हुई थी जिसका चेहरा इतना डरावना था कि एक बार तो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई थी। बहुत तेज चिल्ला, एकदम से वहां से गायब हो गई और उसकी चीख सुनकर उसकी दीदी भी उसके रूम तक आ गई। पूछे क्या हुआ कुलदीप, क्या हुआ? उसने उठ के फटाफट दरवाजा खोला और उसकी दीदी को सारी बात बताई। तेरा दिमाग खराब, पागल हो गया तू, कुछ भी नहीं है घर के अंदर, ऐसा क्या बोल रहा है तू? तो बोलते कह रहे दीदी आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे पिछले 5-7 दिन से सारी चीजें हो रही है। वो बोलते चल ठीक है, तो बैठ जाए, उसको पानी वानी पिलाती है। लेकिन अब उसको बुरी तरह से तेज बुखार आ चुका था, क्योंकि आप जानते हो ऐसे टाइम पे ना एड्रेनलिन रश होता है। तो उसको बुखार आया, उसको टैबलेट दी गई और उसने बोला कि दीदी मैं अकेला तो नहीं सोऊंगा आज, तो आप चाहे हॉल में सो जाओ चाहे यहीं पे रहो, लेकिन मैं आज अकेला नहीं सोऊंगा। लेकिन उसका बुखार नहीं टूटा, अगले दिन भी उसको बुखार था। उसको डॉक्टर्स के पास लेकर गए, डॉक्टर ने दवाई दी, 3 दिन तक उसको बुखार रहा। ये 3 दिन बुखार होने के बाद अब उसको उसकी जो हेल्थ थी वो डिग्रेड होना शुरू हो गई थी। 3 दिन तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4th दिन से वापस से सबको लगा थोड़ा बुखार उसका कम हुआ, उसे भी लगा कि ठीक है बुखार हो गया होगा। वो अपने रूम के अंदर सोने लगा, लेकिन अब वही पूरी रात वो सो नहीं पाता था। उसको वो चेहरा बार बार घूमता, पढ़ाई करता था तो उसके चेहरा वो घूमता था। उसे लगता था जैसे वो टेबल पे पढ़ रहा है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, घूम के देखता तो उसे कोई नहीं दिखता था। ऐसे आंख के कोने से उसे कोई चलता हुआ दिखाई देता था, वही औरत चलती हुई दिखाई देती थी, लेकिन जैसे देखता तो गायब हो जाती। मतलब हर मोमेंट पर कभी यहां कभी वहां उसके लिए मतलब बैठना और रात गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। धीरे 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 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, वो एक तरह के ट्रॉमा में जी रहा था और उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं था। और एक्सप्लेन भी करे तो क्या करे किसी को, उसकी हेल्थ डिग्रेड होना शुरू हुई। तो उसकी हालत देखकर उसकी दीदी से बोलती कि तुझे आखिर हो क्या गया है? तो उनको बताता है डिटेल में हर एक बात कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ यही सब हो रहा है, जिस दिन से मुझे कुछ दिखी है वो औरत फीवर उसके बाद आया है और तब से मेरे को वो हर जगह दिखती रहती है। ऐसे बिल्कुल क्लीन सामने दिखती है लेकिन दिमाग में घूमती रहती है, कभी आंखों के कोने से दिखती है, कभी पीछे खड़ी महसूस होती है, बट
मैं किसी को बताता भी तो विश्वास ही नहीं करता, दीदी मेरा विश्वास करो, मैं बहुत भयंकर ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और मेरा इसका इलाज कराओ, मुझे नहीं पता। तो उसकी दीदी वाकई उसकी बात को समझती और बोलती कि ठीक है अपन कल ही गाँव चलते हैं, क्योंकि गाँव में एक प्रसिद्ध बाबा थे जैसलमेर जहाँ ये रहते थे वहाँ पर, और वहीं चल के तेरे को दिखाऊंगी। तो वो उनके पास आया जाया भी करती थी इनकी दीदी। ये लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच कर उन्होंने बाबा जी के पैर छुए और पैर छूते ही बाबा जी जो है इनकी दीदी को देखकर बोलते हैं, क्यों माँ आ गए ना तुम मेरे पास, मुझे तो पता था कि तो आखिर में घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। तो इसकी दीदी बोलते हैं कि बाबा आप तो सब जानते हो, इसको देखो इसके साथ क्या हुआ, इसको आप ठीक कर लो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो तुझे मना किया था, तुम मत जाओ उसके पास, तो गई थी ना उस रानी के पास, देख ले उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब जैसे बाबा जी ने ये बोला, कुलदीप का माता ठनका, कुलदीप ने बाबा की तरफ देखकर बोला क्या इसका मतलब, वो सब ये रानी कर रही है? तो बोलते हैं हाँ गलती तो तूने भी की है, तंत्र विद्या कर रही थी वो, और तूने उसके सामान को लात मार दी, उसकी पूजा को तूने बीच में रोक के उसका अपमान किया, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? तो बोलते कि बाबा मुझे तो लगा कि ये सब ऐसे नौटंकी चल रही है, मुझे क्या पता था। बोलते तुझे लगा ना नौटंकी है, तो अब तुझे उसी का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसकी दीदी बोलती है कि बाबा ये तो ना समझे, इसको कुछ पता नहीं है, आप ही इसको ठीक करो। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक तो मैं कर देता, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है, और वो जब तक किसी की जान नहीं लेगी वो छोड़ के नहीं जाने वाली है। तो बोला कि जान किसकी? बोले तुम्हारे परिवार में से किसी की, तेरी या फिर इसकी? बोलते बाबा कुछ तो करो आप। बोलता मैं उसको भगा तो नहीं सकता, मतलब मैं उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। तो उन्होंने इनको कुछ धागे दिए और बोले कि तुम्हारे घर के चारों तरफ पेड़ हो या कोई चीज़ हो उस पर बांध देना, तो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाएगी, बाकी तो तुमको उन्हें बता ही दिया है, मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकता। अब ये जहाँ पहुँचे वहाँ पर भी इनको सोल्यूशन नहीं मिला और ऊपर से इनको एक टेंशन और मिल गई। अब इसके बाद सभी लोग घर पर वापस आ गए, तो कुलदीप ने बोला कि दीदी मैं यहीं रहूँगा और आप जी हजी को बुला लो, वो आपको ले जाएंगे, वहाँ पे रहो, ठीक है मैं देख लूँगा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हुआ कि वो जैसलमेर ही रुक गया, इसने अपने घर के चारों तरफ वो धागे बांध दिए, उधर दीदी भी वो धागे ले गई, उन्होंने अपने घर के चारों तरफ वो धागे बांध दिए। इनकी दीदी को तो वैसे भी कोई चीज़ दिखाई देती नहीं थी, तो उनको इतनी टेंशन भी नहीं थी। अब कुलदीप अपने घर पर रहने लगा, वही उसका शेड्यूल चालू था, पढ़ाई वो किया करता था, लेकिन अब कई बार उसे रात को ऐसा फील होता था कि उसके घर के मतलब बेसिकली घर के अंदर रूम था उसमें पढ़ता था, लेकिन उसे बाहर हलचल महसूस होती थी। कई बार उसने रात को 12 बजे के आसपास खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे वही परछाई घूमती हुई दिखाई देती थी उसके घर के आसपास, लेकिन क्योंकि बाबा जी ने उस चीज़ को बांध दिया था तो उसकी वजह से उसके घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। अब उसका डर भी उससे थोड़ा बहुत कम हो गया था। फिर इनके घर पर खुशखबरी आई कि इनकी जो दीदी है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो कुलदीप बहुत खुश हुआ कि चलो बढ़िया है, और ये जो अंधविश्वास था ये खत्म हुआ कि वो रानी दी ही जो पूजा करी थी उसी से इनको बच्चा हो सकता, उसके बिना भी इनको बच्चा हो सकता है। लेकिन शायद कुलदीप गलत था, चीज़ें ऐसे ही चलती रही। कुलदीप भी अब यूज्ड हो चुका था, उसको उन चीज़ों से डर नहीं लगता था। तो करीबन 5-6 महीने गुजरने के बाद एक दिन अचानक से इन लोग के पास कॉल आता है कि दीदी का मिसकैरियज हो गया है। अब जैसे उसका मिसकैरियज हुआ सब लोग को बहुत खुशी की बात थी, खरीद जिसके 8-9 साल से बच्चा नहीं हुआ, उनकी पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई और वापस से 6 महीने के बाद ही मिसकैरेज हो गया उनकी। तो उसका उससे रहा नहीं गया, जब सेटल हुआ सब तो सीधा अकेले उन बाबा के पास गया और बाबा से जाके बोलता है कि ऐसे ऐसे उसके सिस्टर का मिसकैरेज हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारे परिवार से किसी की जान न ले ले। अब वो जा चुकी है और अब वो ना तुझे ना तेरी बहन किसी को भी दिखाई देगी। तब जाके कुलदीप को समझ में आया कि मिसकैरेज क्यों हुआ है। कुलदीप का दिमाग खराब हो चुका था, उसको ये लगता था, उसको ये फील हुआ कि सारी गलती उसी की थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बहन के घर में खुशियाँ आई थी और उसकी उस गलती की वजह से उसकी बहन के साथ ये सब हुआ। खैर अब भी वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसे लग रहा था कि कोई नेचुरल रीज़न है उसी की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है। वापस से अपने वो घर गया और आज रात उसने वेट किया, उसने अपने घर के वो सारे धागे खोल दिए जो उसने बांधे हुए थे और वो अपने रूम के अंदर बैठा रहा और पूरी रात इंतज़ार करता रहा जो कुछ भी है वो उसके सामने आए और वो उससे बात करे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पूरी रात इंतज़ार करता रहा लेकिन वो परछाई जो उसे दिखा करती थी वो आई ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आई। वो फिर से बाबा के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुझे शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तो उससे कह रहा हूँ ना। तो उसने कहा कि लेकिन मेरी बहन का क्या? बोला तो चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ध्यान रखेगा और अगर तुम्हारा मन सच्चा और साफ है तो एक दिन उसकी झोली भी भर जाएगी। ये सब सुनकर कुलदीप वापस आया, उसे ये फील हुआ कि उसने जो उस टाइम पर डिसीजन लिया तो बिल्कुल सही था और हम में से भी कोई वहाँ पर होता तो वो यही डिसीजन लेता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह टसल रह गई कि उसकी वजह से ही उनके परिवार के उस आने वाले छोटे से नन्हे से मेंबर की डेथ हो गई थी। अगर उस दिन वैसा कुछ नहीं करता तो शायद उनकी ज़िंदगी में ये टर्न नहीं आता।
जैसा कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और उनके एक साल बाद इनकी दीदी को बेबी भी हुआ और उनकी लाइफ बढ़िया सेटल चल रही है। और उसके बाद से कुलदीप के मन का जो भार था वो भी अब उतर चुका है। लेकिन ये एक इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ के अंदर जो उसके ऊपर लाइफ टाइम की एक छाप छोड़ गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का कारण उस रिचुअल को बीच में रोकना था और उस लड़की का अपमान करना था? क्या ये सब रानी का ही रचा हुआ खेल था? क्या वाकई में रानी ने कुलदीप के ऊपर किसी स्पिरिट या किसी एंटिटी को छोड़ दिया था, लैच कर दिया था, और क्या वही एंटिटी उस बच्चे की जान लेकर गई, या फिर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट था? इतने सारे इवेंट्स चल रहे थे, कोई नेचुरल रीजन की वजह से उनका मिसकैरियज हुआ और कुलदीप ने उसको वहां से लिंक किया। जो बाबा थे उन्होंने कहा कि जान लेकर जाएगी, और उस मिसकैरियज के बाद से दोबारा कभी वो एंटिटी कुलदीप को दिखाई नहीं दी। कैसे लिंक कर सकते हैं इन सब चीजों को? आप अगर कुलदीप की जगह उस दिन होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या आप भी वही करते जो कुलदीप ने किया, या फिर कुछ और? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने के लिए अगली कहानी के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग।